वो वाली चीज तो वो क्या बोलता है कि अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख दो कि यार है ना वो जो उसका जो बक्कल था जो हुक था ना वो टूट गया है मुझसे तो मैं वो रिपेयर करके तुम्हें वापस दे दूंगी दैट विल गिव अस टाइम शी रोट एज ही डिक्टेटेड और क्या बोला उसने कि हमें थोड़ा समय मिल जाएगा ढूंढने के लिए या कुछ करने के लिए और उसने वैसे ही लेटर लिखा जैसे उसने डिक्टेट किया डिक्टेट कराना मतलब बोलना और अगली ने लिखा है ना एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप अब पूरा हफ्ता हो गया पूरा हफ्ता उन्होंने सब तरीके से हाथ पैर मार लिए कुछ नहीं हुआ अब उन्होंने अपनी होप भी खो दी होप आशा खो दी है ना होप क्या होता है आशा एन लॉयजल ओल्डर बाय 5 इयर्स डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस टूल ठीक है अब लॉयजल क्या कहती है कि यार हमें जो है ना इसको रिप्लेस कर देना चाहिए है ना इन शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलट ऑफ डायमंड व्हिच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट अब एक जगह है पैलेस रॉयल वहां पे क्या हुआ उन्हें डिटो एग्जैक्टली सेम वो जो डायमंड नेकलेस था ना वैसा का वैसा उन्हें आइडेंटिकल मिला इट वाज वैल्यूड एट 40000 francs भाई कितना महंगा था 40000 francs अच्छा ये चीज याद रखना अब ये चीज याद रखना

पोजेस्ट मतलब उसके फादर ने उसके लिए कुछ पैसा होता है ना हमारे आ, मतलब होता है ना कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स सेविंग करके रखते हैं तो वो 18000 फ्रांस बिता रहे उसको लॉयजल को निकालने पड़े जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़े थे उसके अलावा उसने बाकी चीजें क्या करी बोरो करना उधार लेना ठीक है उधार लिए ही मेड रोएनस प्रॉमिस रोएनस प्रॉमिस होते हैं झूठे वादे है ना कैसे प्रॉमिस वादे रेस लेंडर्स है ना जो मतलब होते, ना, जो लोग होते हैं, जो पैसा देते हैं क्या किए ऐसे लिए लोगों से उधार ले लेकर देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंट थर्टी सिक्स थाउजेंड फ्रांस मर्चेंट कौन होता है जो चीज बेच रहा है अपनी है ना जो चीज बेच रहा है वो कौन होता है मर्चेंट तो उसने वो सारे पैसे जमा करके वो नेकलेस लिया व्हेन मैडम लुएजल टू बैक द जूल टू मैडम द लेटर टू होती है बिल्कुल ठंडी टोन मतलब बिल्कुल कड़वी सी ठंडी सी टोन

अब मैडम लोइजल जो है वो डर रही थी यार ये बॉक्स अभी ना खोल ले पता नहीं क्या होगा अगर इन्होंने पहचान लिया कि ये रिप्लेसमेंट है या कुछ भी बट मैडम फॉरस्टियर ने वो बॉक्स खोला ही नहीं वुड शी टेक हर फॉर अ नो व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन व्हाट शुड शी से वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर अब वो डरती है कि यार अगर इसने बॉक्स खोला इसको पता चल गया तो ये तो मुझे चोर समझेंगी क्या होगा क्या नहीं होगा वो डर रही थी मैडम लोइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी अब उनको ये चीज़ पता चली कि यार क्या नेसेसिटी क्या चीज़ होती है मतलब जितना हो उतने में ही खुश रहना चाहिए चीज़ डिड हर पार्ट था कम्प्लीटली हेरोइकली क्योंकि देखो क्या हुआ अगर उन्होंने खो दिया तो उन्होंने क्या किया उसे रिप्लेस करके एग्जैक्ट उन्हें लाके भी दिया इतना महंगा है ना तो यहाँ पे उन्होंने अगर खो दी चीज तो उन्होंने उसके लिए पे किया तो यहाँ पे उनकी गलती नहीं थी है ना इट वॉज ने क्या होता है एक तरीके से उधारी बोल लो, है ना? They would pay it this cent, अभी तो the made they changed their lodgings, they rented some rooms in a netic. अब उनकी obviously उनके पास कुछ भी नहीं था, वो 18000 जो थे उनके पास वो भी नहीं था, इतना सारा कर्जा हो गया, अच्छा debt को ना देखो उधारी, या फिर कर्जा बोल लो, ठीक है? कर्जा चढ़ा लिया था उन्होंने अपने ऊपर इतना सारा अब क्या करेंगे तो उन्हें बेचारों को अपना अपार्टमेंट भी बेचना पड़ा फिर एक एटिक मतलब एक छोटी सी जगह में रह रहे थे उनकी जो काम वाली आती थी मेड कौन होती काम वाली उन्होंने वो भी हटा दी थी, थी है ना शी लर्न ओडियस वर्क ऑफ अ किचन भाई उससे पहले क्योंकि उनकी काम वाली थी तो वो किचन में काम नहीं करती थी तो उन्होंने काम सीखा काम किया और सिर्फ खुद के घरों में ही नहीं शी वॉश द डिशे शी वॉश दिनन

और बुचर कौन होता है कसाई जो तो गोश्त बेचते हैं ना मीट बेचते हैं तो तो और फ्रूटर्स फ्रूटर्स तो फ्रूट से समझ ही गए हो फल वाला है ना फ्रूट वाला विद अ बास्केट ऑन अर आर्म शॉपिंग हैगलिंग टू द लास्ट शो ऑफ मिजरेबल मनी शॉपिंग हैगलिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ मतलब वो क्या करती थी बार्गेनिंग करनी पड़ती थी उन्हें मतलब मोल भाव ना सीधा लिखती हूँ मैं

एक जो बुक वाला होता है उसके यहाँ भी काम करते थे मतलब पूरी रात हो जाती थी दिन भर काम करते थे वो कर्जा चुकाने के लिए एंड दिस दिसम लास्टेड फॉर टेन देखो कितना टाइम हो गया दस ईयरस ये चीज भी याद रखना ये चीज भी याद रखना क्या क्या याद रखना है अब देखो दोबारा सुनो क्या क्या याद रखना है पहला उन्होंने नेकलेस खो दिया दूसरा नेकलेस उन्हें मिला एक आइडेंटिकल जिसके लिए उन्हें कितने पैसे लगे थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स फ्रांस लगे थर् थर्टी सिक्स थाउजेंड फ्रांस लगे थर्टी सिक्स फ्रांस थाउजेंड सॉरी थाउजेंड फ्रांस इकट्ठा करने के लिए उन्होंने क्या किया अट्ठारह हज़ार तो उनके पास थे वो लिए और उसके अलावा जो है इधर उधर से मांगे उधार लिए करे और फिर उसे पे करके वो लेकर मैडम फॉरेस्टियर को दे दिया है ना ये तो एक चीज़ हो गई अब दूसरी चीज़ उसके बाद उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई उनके सारे हालात और ये सब चलते चलते कितना टाइम हो गया कर्जा चुकाते चुकाते, चुकाते और ये सारी चीज़ें करते करते दस साल लग गए उन्हें दस साल है ना अब एट द एंड ऑफ दे हैड रेस्टोर्ड ऑल मतलब अब उन्होंने दस साल तक में ये सारी चीजें सारा कर्ज और सब कुछ चुका लिया था मैडम ओल्ड मैडमली दस साल हो गए तो दस साल में तो अब बूढ़ी ही लगेंगी ना और ऊपर से इतनी खराब कंडीशन इतनी मेजरेबल कंडीशन तो और ज्यादा बूढ़ी लग रही होंगी शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वेमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड क्रूड होता है वैसे कच्चा है ना ठीक है और स्ट्रॉन्ग बन गई थी लेकिन हर हेयर इन अ लाउड टोन इन वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल ऑफ वाटर अब क्या हुआ कि भाई ऑब्वियसली इतनी खराब हालत हो गई थी उनकी कि बाल भी कोई ढंग के नहीं बने होते थे स्कर्ट जो है गंदी हो रही है बिल्कुल ऐसी हालत में है और क्या कर रही है

और आ रहा है तो खुश होना तो वो मतलब ऐसे रहती थी लेकिन कभी कभी जब वो खिड़की के पास बैठती थी जब उनके हस्बैंड ऑफिस होते थे तो वो उस रात को याद करती थी वो बॉल वाली रात जिस दिन उन्होंने वो डायमंड नेकलेस अच्छी सी ड्रेस पहनी थी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी उस चीज़ को वो कभी कभी बैठ कर याद भी करती थी हा वो डिट हैी हैड नॉट लॉस द नेकलेस और उनके क्या ख्याल आता था कि अगर उस दिन वो नेकलेस मैंने खोया नहीं होता तो आज लाइफ कितनी अलग होती सिंगुलर का मीनिंग क्या होता है वैसे बेसिकली एक वच्चेन. तो यहाँ पे बात क्या हुई कि भाई किसको पता कि लाइफ जो है एक ही है हमारे पास एक ही जिंदगी है लेकिन उसमें कितने बदलाव आ सकते हैं अगर हम दिस, राइट टाइम पे सही डिसीजन लेंगे

थक गई थी काम वाम करके सब निपटा के वो जो है वॉक कर रही थी और उनकी नजर पड़ी एक औरत पर जिनके पास एक बच्चा भी था इट वॉज मैडम फॉरेस्ट यूर स्टिल यंग स्टिल प्रिटी स्टिल अट्रैक्टिव और कौन थी वो औरत वो थी मैडम फॉरेस्टर जो अभी भी बहुत जवान बहुत प्रिटी बहुत अच्छी आकर्षित लग रही थी मैडम लोइजल वाज अफेक्टेड शुड शी स्पीक टू हर यस सर्टेनली मैडम लोइजल उनको देखकर एकदम मतलब

चीज़ टैम बट मैडम आई डू नॉट नो यू मस्ट बी mistaken. No, नो आई एम मटिल्डा लो अब वैसे हकलाने लग जाती हैं और फिर बोलती हैं कि मैडम पता नहीं आप मुझे गलत समझ रही हैं तो बोलती है नहीं मैं मटिल्डा हूँ आई फ्रेंड uttered a cry of astonishment. Oh my poor Matilda, how you have changed! अब वो एकदम शॉक हो जाती हैं यार ये क्या तुमने हालत क्या बना ली अपनी है ना? Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you, because of me. That happened, How is that? वो बोलती है कि हाँ मेरे बहुत मतलब बहुत कठिन दिन देखने पड़े हैं मुझे है ना तुमसे उस दिन मिलने के बाद वो जो नेकलेस लेके गई थी उस दिन की बात हो रही है कि तुमसे उस दिन मिलने के बाद से ही मैं जो है इतने कठिन दिनों से गुजर रही हूँ और सब कुछ जो हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है तो उस पर मैडम फॉर्स्ट क्या बोलती है फॉर्स्ट मेरी वजह से कैसे You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball? Yes, very well. You recall. Recall होता है जब हम कोई पुरानी चीज को याद कर रहे हो है ना तो क्या तुम्हें याद है वो जो डायमंड नेकलेस तुमने मुझे दिया था उधारी पे उस दिन तो वो बोलती है हाँ मुझे याद है वेल आई लॉस्ट इट हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी तो अब मैडम देखो यहाँ पे ये जो इतनी बातें किसने बोली है मैडम लॉयज़ल ने द लिमिटल डाने मेरे से वो खो गया था तो इधर जो दूसरी बात है वो कौन बोल रही है फॉरेस्टियर के ऐसा कैसे हो सकता है तुमने तो मुझे वो वापस दिया है आई रिटर्न टू यू एग्जैक्टली लाइक इट एंड इट हैज टेकन टू पे फॉर इट अब बोलती है कि मैंने तुम्हें बिल्कुल आइडेंटिकल बिल्कुल सेम रिटर्न किया था रिप्लेस करके और उसका कर्जा चुकाने में हमें दस साल लग गए यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अर्स हु हैव नथिंग तुम ये समझ सकती हो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल था वो क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी कुछ था ही नहीं पहले से but it is finished and i am decently content decently content का मतलब संतुष्ट वो बोलती है कि लेकिन अब ये जो 10 सालों का जो कर्जा था वो भी खत्म हो गया और मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने तो मैं भी पे कर दिया तुम्हारी चीज का मैडम फॉरेस्टर स्टॉपड शॉर्ट शी सेड यू सेड दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन अब वो शॉक हो जाती है। उनको वहीं रोक के बोलती क्या बात कर रही हो तुम कि मतलब तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे वो डायमंड नेकलेस रिप्लेस करके दिया यस। यू डिड नॉट अ अलाइक एंड शी स्माइल्ड प्राउड एंड सिंपल जॉय है ना अब क्या बोलती है वो मतलब वो ना प्राउड भी फील करती है और स्माइल भी करती हैं मतलब सीरियसली मैडम फॉल्स दे वर नॉट वर्थ ओवर फाइव हंड्रेड फ्रांस क्या हुआ यहाँ पर वो इतना टच हो गई यार मतलब बंदी ने मुझे नेकलेस ला के दिया उसने खोया तो बट असल बात क्या निकली कि भाई थर्टी सिक्स थाउजेंड का नेकलेस और जो नेकलेस उनका खुद का था उनकी रिच फ्रेंड का दैट वाज फॉल्स नकली डायमंड का था जिसकी वर्थ जिसकी कॉस्ट पांच सौ फ्रांस से ज्यादा नहीं थी बट उस वजह से क्या हुआ इसीलिए कहते थे, देखो उसमें कितनी बड़ी सीख दी गई है कि भाई जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ बिकॉज उससे ज्यादा तुम करोगे तो तुम ही फंसोगे यहाँ पे क्या हुआ अगर मटिल्डा जो है शुरुआत में ही ये देख लेते कि हाँ यार मेरी कंडीशन नहीं है मेरे हस्बैंड की कंडीशन नहीं है तो जो है उसमें खुश रहना चाहिए लेकिन उन्होंने क्या किया कि नहीं मुझे अच्छा लगना ये वो तो चलो ठीक है जो उनके हस्बैंड के हाथ में था उन्होंने किया उन्होंने ड्रेस दिला दी उन्हें है ना बट अब एक ज्वेलरी और वो भी डायमंड की ज्वेलरी उस चक्कर में जो कि झूठी थी रियल भी नहीं थी है ना और क्या हुआ उस चक्कर में उन्हें क्या किया अपने जिंदगी के दस साल जिंदगी के दस साल और पैसा दोनों वेस्ट करने पड़े उनके हस्बैंड के जो उनके फादर ने पैसा छोड़ा था उनके पास वो सब पैसा भी चले गया तो यहाँ पे हमने क्या सीखा हमने यहाँ सीखा कि भाई जितना मिले उसमें खुश रहना चाहिए ज्यादा का लालच करोगे तो लालच बुरी बला है भाई है ना तो वैसे ही कुछ मटिल्डा के साथ हुआ इस स्टोरी में बट इससे क्या होगा आगे उनको एक सीख मिल जाएगी के नहीं है इसकी जो है जितना है उतना इनफ है उससे आगे की मत करो हाँ खुद मेहनत करके करो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग बट लालच करके करोगे तो कभी भी उसका फायदा नहीं मिलेगा और दूसरी चीज़ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये भी पता है हमें क्यों क्योंकि अगर वो ऑनेस्टली वहाँ जाके कन्फेस कर लेती कि भाई ये जो है नेकलेस मुझसे खो गया है तो हो सकता था उन्हें बस वो पाँच सौ फ्रांस देने पड़ते जो एक बारी की सैलरी से हो जाता काम है ना तो कितना मतलब देखो यहाँ सीख मिली है पहली सीख कि भाई जितना हो उसमें खुश रहो और अगर उससे ज्यादा चाहिए तो मेहनत करो है ना और दूसरी सीख हमने क्या पाई कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सच्चाई के साथ हमेशा अच्छा होगा अगर तुम गड़बड़ करोगे झूठ बोलोगे तो फिर तुम्हारे साथ बुरा होगा ठीक है इसी के साथ जो है हमारी स्टोरी यहाँ फिनिश होती है अब क्या आते हैं भाई इसके अब आ जाओ उसके वर्ड मीनिंग्स में वर्ड मीनिंग्स में देखो एरर एरर होना कोई भूल चूक हो जाना है ना वो वाली बात अडॉन सजाना एनशियस उत्सुक और एनशियस का दूसरा मीनिंग होता है चिंतित ठीक है देखो इंग्लिश में खेल सारा यही है इंग्लिश में सारा खेल यही है कि एक वर्ड के जो होते हैं बहुत सारे मीनिंग निकल के आते हैं है ना तो तुम्हें क्या है मैंने पहले भी बताया था तुम्हें ये उस सेंटेंस के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि एनशियस का मीनिंग क्या है तो देखो इस स्टोरी में का मीनिंग उत्सुक तो वो किस वजह से थी चिंता की वजह से थी वैसे ही आगे देखो डावरी दहेज एलिगेंट शिष्ट एंथम उत्साह फ्राइटफुल भयानक लॉजिंग खेमे लॉजिंग जो छोटे छोटे ऐसे बने हुए थे ना वो और नेसेसिटी आवश्यकता ऑडियस घिनोना पेल पीला परसीव समझना पैटी, छोटा या लघु है ना रिकॉल याद करना डिटेन्ड हिरासत या फिर रोकना रिफ्लेक्टेड परि लक्षित सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन मतलब कोई चीज दूसरी चीज से रिप्लेस कर देना एडमयरएबल प्रशंसनीय प्रशंसनीय अफेयर मामला एस्टोनिश्ड आश्चर्यचकित आवरी कुछ तो गड़बड़ है है ना और परेशानी या घबराहट टिप टॉप फैशनेबल क्लास बकल कलीग सहकर्मी कंटेंट संतोष या संतुष्टि दोनों लिख सकते हो क्रूड ट्रूड कच्चाटली शालीनतापूर्वक डेलीकेसी डेलीकेसीज हम व्यंजनों के लिए यूज करते हैं। कहते हैं ना हम दिस इज डिलीशियस तो डेलीकेसी और डिलीशियस जो है वहां से रिलेट करता है डिलाइटेड खुश होना डेस्टिनी नियति डिक्टेटेड तय करना या फिर किसी को ऐसे हम डिक्टेशन करा है ना हमने बचपन में थोड़ा पहले वो वाली चीज़ दोनों लिख सकते हो है ना जिसमें निराशा डिस्टिंग्विश प्रतिष्ठित एक्सटेटिक खुश होना बहुत ज़्यादा ही खुश होना एक्सक्विजिट उत्कृष्ट और ग्रीव्ड होता है दुख ये एक्स्ट्रा आ गया यहाँ ठीक है ग्रीव्ड होता है दुखी होना क्लियर हैगलिंग मोलभाव करना बार्गेनिंग करना इनसेसेंटली लगातार निरंतर दोनों लिख सकते हो लेटअप परवर्ती लोन्ड उधार मार्वेलस अद्भुत मिट्स किसी भी चीज के बीच में मेजरेबल दुखी मैमरिंग बड़बड़ाना नाइट फॉल जो सांझ का समय होता है वो रिलेटेड संबंधित रिस्टोनिय बर्बाद झूठे वादे सिंगुलर एक वचन दुर्भावनापूर्वक दुर्भावना हकलाने वाला स्ट्रिकन पीड़ित वैक्सेशन परेशानी या चिड़चिड़ापन ठीक है दोनों चीजें

और उनको ये भी नहीं था कि मैं जो है किसी रिच आदमी से शादी करूं या उनकी कोई मतलब ऐसी कोई चॉइस नहीं थी और उन्होंने जो है खुद को अलाव भी कर लिया था एक छोटे से क्लर्क से शादी करने के लिए सफर इंसिसेंटली वो लगातार सफर कर रही थी लगातार परेशान हो रही थी सफर फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ अपार्टमेंट दैबी वॉल्स एंड देयर्स ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर एंड एंग इसीलिए वो क्या थी अनहैप्पी थी क्योंकि उन्हें हर चीज मतलब गुस्सा दिलाती थी कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों मतलब गरीबी जो थी उनको गुस्सा दिलाती थी जिसकी वजह से वो अनहैप्पी थी क्लियर वाइंड ऑफ अर्सन इज अर हसबेंड अब उनके हस्बैंड कहते थे देखो हर हसबेंड एम लोजल इज एन ऑर्डिनरी एन एवरेज यंग मैन ठीक है साधारण सा एवरेज दिखने वाला औसत दिखने वाला आदमी था एक अमेर क्लर्क इन दफिस ऑफ दोर्ड ऑफ एजुकेशन एक छोटा सा क्लर्क था बोर्ड एजुकेशन के ऑफिस में ही इज़ ए केयरिंग मैन एज ही इज़ एक्साइटेड टू शो द डिनर इन्विटेशन टू हिज़ वाइफ लेकिन वो बहुत केयरिंग थे हमने ये चीज़ कब देखी जब वो एक तो लेटर एनवलप लेके आए कि चलो तुम कहीं बाहर नहीं जाती हो तो तुम बाहर चलना पार्टी इन्जॉय करना दूसरा जो उन्होंने खुद के लिए पैसे सेव करे थे वो उन्होंने अपनी वाइफ को दे दिए थे है ना ड्रेस के लिए तो वो वो लाइन भी यहाँ लिख सकते हो तुम दोनों लिख सकते हो है ना समझ आ गया वॉट प्रेस प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैडम लॉयजल अब कौन सी प्रॉब्लम थी नई नई जो मैडम लॉयजल को परेशान कर रही थी तो भाई आफ्टर स्पेंडिंग अबाउट फोर हंड्रेड फ्रांस और डिजास्टर अब भाई जब वो चार सौ फ्रांस उन्होंने खर्च कर लिए ड्रेस पर है ना उसके बाद उन्हें नई प्रॉब्लम क्या दिखी नई प्रॉब्लम थी शी इज वैक्सडर दैक्ट देट शी डज नॉट है ब्यूटिफुल ज्यूलरी फॉर हर ड्रेस अब उन्हें नई चीज़ क्या परेशान कर रही थी कि ड्रेस तो ले ली ले, लेकिन ड्रेस पे पहनने के लिए कोई ज्वेलरी है नहीं अच्छी है ना हाउ इज द प्रॉब्लम प्रॉब्लम और ये कैसे सॉल्व हुई एम हर टू बोरो सम ज्वेल्स फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्ट उनके जो हस्बैंड थे एम लोयजल मिस्टर लोयजल उन्होंने क्या बोला उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि भाई तुम्हारी जो अमीर दोस्त है उससे तुम कोई ज्वेलरी उधार पे ले लो एक ब्यूटिफुल्ड नेकलेस उधार दिया वॉट डू मिस्टर डू नेक्स्ट अब क्या हुआ जब नेकलेस खो दिया तो आफ्टर लूजिंग द नेकलेस नेकलेस खोने के बाद मिस्टर लोइजल गोज बैक इन सर्चिस टू द लॉस्ट नेकलेस है ना और उसके बाद क्या हुआ वापस जाते हैं कपड़े पहनकर और नेकलेस ढूंढना शुरू करते हैं बट उन्हें नहीं मिलता उसके बाद वो क्या करते हैं देन ही टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस एंड पुट आउट एन एडवर्टीज इन द न्यूज पेपर एंड ऑफर अ रिवॉर्ड टू एनी वन फाइंड इट फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं कैब ऑफिस में इन्फॉर्म करते हैं कि भाई कोई नेकलेस मिले तो बताना एक एडवर्टीजमेंट लगाते हैं कि भाई अगर ये नेकलेस मिले जिसको भी मिलेगा उसको इनाम मिलेगा और हमें वापस कर दिया जाए है ना ये चीजें करते हैं वो हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस अब वो नेकलेस कैसे रिप्लेस करते हैं आफ्टर ऑल अदर एफर्ट्स फेल हर तरीके से हाथ पैर मारने के बाद भी कुछ नहीं होता उसके बाद लॉयजल डिसाइड टू रिप्लेस द नेकलेस मिस्टर लॉयजल पोजेस्ट एटीन देखें मिस्टर लॉयजल पोजिस्ट एटीन थाउजेंड फ्रांस विच इज़ फादर हैड लेफ्ट हिम अब उन्होंने क्या किया कि भाई अब तो इसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा तो उनके पास जो अट्ठारह हज़ार रुपये थे फ्रांस थे उनके फादर जो उनके लिए छोड़ कर गए थे वो पैसे उन्होंने यूज़ किए और ही बोरोड द रेस्ट ही मेड रो इन टुक मनी फ्राम द लैंडर्स और बाकी की जो थे उन्होंने उधारी पर लिए जो लैंडर्स होते हैं जो ब्याज पे पैसे देते हैं उनसे फिर फिर वो जो है जो है है बेचने वाला होता उसके काउंटर पे वो पैसे जमा करवाते हैं और वो जो डायमंड नेकलेस है वो ले आते हैं अब think about it वाले देखो कोर्स ऑफ द लोयजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू नेकलेस कैसे चेंज हुई भाई उनकी लाइफ जो नेकलेस की वजह से चेंज हुई है उसके बारे में बात करनी है इट क्या होता है भाई? दस साल. दस साल को

है ना और क्या हुआ उन्होंने जो उनकी काम वाली थी उसको हटा दिया था अपना अपार्टमेंट खाली करके जो है वो एटिक में रहने लग गए थे शी लर्न ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन जो हमारी मैडम लोइल थी उन्होंने इन्होंने काम सीखा किचन का शी वॉश द डिशेज मैंड सी यू विद इन विद्रोसर एंड बुचर तो सेव सेव एवरी जस्ट फॉर मेयर सर्वाइवल सरवाइवल और जो मैंने तुम्हें बताया कि भाई वो खुद ही डिशेज धोती थी कपड़े धोती थी सुखाती थी सब करती थी और सब्जी वाले फल वाले कसाई जो होते हैं गोश्त वाले मीट वाले उनसे जो है क्या करती थी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मोल भाव करके जो है थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने की कोशिश करती थी द हजबैंड हैड टू वर्क इन द इवनिंग एंड नाइट टू पे देअर डेथ और हस्बैंड जो था उनको बेचारे को दिन में सुबह शाम हर वक्त जो है कर्जा चुकाने के लिए काम करना पड़ता था इन दिस वे द कोर्स ऑफ द लॉयजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस और इसी वजह से उनकी जो पूरी लाइफ है एक नेकलेस की वजह से चेंज हो गई थी वॉट वॉज दॉज ऑफ मटिल्डाज रू इन हाउ कुछ इट मटिल्डा की जो लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो गई थी अब उसका कारण क्या था और ये चीज वो कैसे अवॉइड कर सकती थी इग्नोर कर सकती थी फॉर हर रून उनका जो प्राइड था कि भाई मैं बहुत छोटी लगूंगी बाकी औरतों में और तो मटीरियलिस्टिक एस्पिरीशन की इच्छा ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो चीज कपल हर ऑनेस्टी मतलब उनकी जो डिसऑनेस्टी थी जो बेईमानी थी उसके साथ मिलकर है ना दोनों चीज़ों ने मिलकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी शी कुड हैव अवॉइडेड इट बाई लर्निंग टू एक्सेप्ट हर करेंट सिचुएशन एंड बींग कंटेंट विद वॉट शी हैड ये चीज़ वो कैसे अवॉइड कर सकती थी कि अपनी उनकी जो कंडीशन है वो एक्सेप्ट करती कि हाँ यार मेरी कंडीशन नहीं है तो जितनी चादर उतने पैर फैलाऊं, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की उन्हें ये जिस मतलब कहते हैं ना कि जितना उसमें खुश रहना चाहिए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए वो चीज़ अगर वो करती है तो ये जो सारा दस साल का जो हुआ है तमाशा वो नहीं होता टू हर नेकलेस ये मैं अभी तुम्हें बताई चुकी थी कि भाई अगर वो कन्फेस्ट कर ली थी अपनी फ्रेंड को सच बता देती तो क्या होता

और ना ही उनको उनके जो हस्बैंड बेचारे के पास जो अट्ठारह हजार उन्होंने सेव करे हुए थे तो उनके फादर जो छोड़ के गए थे वो खर्च करने पड़ते ना ही अट्ठारह हजार दूसरे लोन लेने पड़ते उधार लेने पड़ते एंड हर हस्बैंड फ्रॉम टेन लॉन्ग ईयर्स ऑफ क्रॉसिंग पॉवर्टी मिजरी एंड बैक ब्रेकिंग लेबर और अपने हस्बैंड को भी बचा लेती वो जो बेचारा दस साल से कमर तोड़ काम कर रहा है उस चीज से भी उन्हें बचा लिया जाता है ना तो ये सारी चीजें हुई अब ये तुम्हारा होमवर्क है इस क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे लिख के टैग करोगे इफ यू वर कॉट इन सिचुएशन लाइक दिस हाउ वुड यू हैव डेल्ट विद इट अगर तुम्हारे साथ ऐसी कोई सिचुएशन होती है ना तो तुम क्या करते वो तुम्हें मुझे लिख कर देना है इंग्लिश में ठीक है ज्यादा नहीं चार लाइन का आंसर चाहिए मुझे बस ठीक है फोर चार लाइन का आंसर चाहिए मुझे बस तुम्हारा कि इस सिचुएशन में तुम क्या करते ऑनेस्टली लिखना लिखो चाहे क्रिकेट लिखो टूटा हुआ लिखोगे कोई मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने वाली हूँ नहीं मुझे अच्छा ही लगेगा कि मेरे बच्चे कोशिश कर रहे हैं तो इसका आंसर मुझे लिख के टैग करो मैं देखूंगी चेक करूंगी और फिर तुम्हें जो है मेंशन भी करूँगी ठीक है तब तक के लिए ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं जो हमारा चैप्टर था पूरा खत्म हो चुका है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तो दिस इज मदिया खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ बाय बाय हैव अ नाइस डे